अरे तो कैसे सबके सब, आज हम लोग खेलने वाले एक बार फिर से माइनक्राफ्ट। नहीं, माइनक्राफ्ट नहीं, आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट का डिट्टो कॉपी गेम जिसका नाम है क्राफ्ट्समैन 4। 1, 2, 3 का पता नहीं, लेकिन हम लोग 4 खेलने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले भी लोकी क्राफ्ट खेल चुके हैं जो एकदम डिट्टो कॉपी है माइनक्राफ्ट का, और ये भी एक क्लोन गेम है माइनक्राफ्ट का, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। अभी सीधे घुसते गेम में और देखते कितना कॉपी किया गया है, 100% या फिर 200%। तो लोडिंग स्क्रीन कुछ ऐसा है, मैंने कभी ये गेम खेला नहीं है, पहली बार खेलने वाला हूँ। ओके, तो एक नया वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जिसका नाम देंगे हम लोग कॉपी। बिल्कुल कॉपी। डिफिकल्टी भाई हम लोग नॉर्मल पे नहीं खेलते, तुम्हें पता है ना, हार्ड पे खेलते हम लोग भाई। बाकी सारा सेटिंग माइनक्राफ्ट की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम भाई, कुछ अलग नहीं है इसमें। चलो क्रिएट न्यू वर्ल्ड, घुसते चलो भाई। मुझे तो लग रहा है ये गेम हद से ज्यादा कॉपी किया है माइनक्राफ्ट का। ओके मेरे भाई, तो वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है और कुछ ऐसा है भाई। क्या है ये? इसका कंट्रोल देखो यार, डिट्टो कॉपी है माइनक्राफ्ट का ये तो। मेरे को सेम सा ही लग रहा है, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस है बस। देखो भाई ऊंट तोड़ने का ये जो एनिमेशन आता है वो भी सेम सा ही है भाई। देखो ये देखो, लोकी क्राफ्ट में फिर भी सिप वगैरह अलग दिखता था, लेकिन इसके अंदर तो सेम सा ही है, साउंड भी सेम है भाई। भाई इस गेम ने लूट लिया माइनक्राफ्ट को, बता रहा हूं, इस गेम ने लूट लिया माइनक्राफ्ट को यार, बिल्कुल सेम है भाई। अलग क्या है इसमें, ये गेम अलग क्यों है, सब तो सेम है इस गेम में भाई। भाई साउंड वगैरह सब कुछ सेम है यार, कुछ अलग नहीं है इसमें। थोड़ा सा देखो तुम, टेक्सचर थोड़ा सा अलग है, मतलब पूरा अलग नहीं है। लोकी क्राफ्ट में पूरा ही अलग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही अलग है। और क्या क्या कॉपी किया, अरे थर्ड पर्सन में जाके देखते हैं ना कैसा है। ओ भाई स्टीव को भी कॉपी कर लिया पूरा, बताओ यार ये सही है भाई, ये सही है भाई। मतलब मैं इसको भी खेल सकता हूँ क्या, मतलब ऐसे ये तो बिल्कुल ही कॉपी है भाई, मतलब सेम माइनक्राफ्ट जैसा ही एक्सपीरियंस दे रहा है मेरे को। ये देखो शुगर केन, देखो भाई लोकी क्राफ्ट में, बता रहा हूँ लोकी क्राफ्ट में फिर भी थोड़ा बहुत अलग था, लेकिन इसमें सब कुछ सेम ही है। ओके तो खेल रहे तो थोड़ा सा टूल वगैरह बना लेते, देखते माइनक्राफ्ट जैसा ही है बिल्कुल। पहले प्लैंक्स बनाया, फिर बनाया क्राफ्टिंग टेबल, बस थोड़ा सा टेक्सचर अलग है, थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा। वुडन पिकेक्स सब कुछ सेम है भाई, ये गेम अलग क्यों है, ये गेम माइनक्राफ्ट बना दो इसको। ये हम लोगों ने पत्थर तोड़ा, अभी पत्थर के पिकेक्स बना लिया हम लोगों ने भाई 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 भाई, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है भाई। ये देखो कोल का टेक्सचर देखो, पहले अरे पहले वाला भी नहीं है, ये तो नया वाला ही है भाई। नया जो कोल्ड का टेक्सचर आया है वही है, 1.17 में जो टेक्सचर आया था वही टेक्सचर है भाई। चलो कोल भी उठा लिया हम लोगों ने, एक तलवार बना लेते हैं भाई, थोड़ा सा घूम के देखते हैं और क्या क्या कॉपी किया। मतलब मेरे को कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है, मतलब मैं जैसे मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूँ मेरे को लग रहा है वैसे ही खेल रहा हूँ मैं। वो ये भाई, ये पहाड़ तो बेहतरीन लग रहा है यार, ये क्या थे, वो क्या है भाई, एक सेकंड, वो क्या चीज है, ये काला काला क्या चीज है, अच्छा रैबिट है ये, अरे मर जाएगा, मर गया देखो बेवकूफ यार, क्या लग रहा है ये जगह, बहुत तगड़ा लग रहा है ये जगह। ओके हम लोग आ चुके पहाड़ के बिल्कुल ऊपर, ये देखो एक रैबिट और रैबिट भैया क्या कर रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, बिल्कुल सेम है भाई, कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम है डिट्टो माइनक्राफ्ट, मेरे को कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अरे सिप भैया रुक जाओ भाई, रुक जाओ, और एक सिप मिला भाई, बेड का जुगाड़ हो गया, रात को तो भाई भटकना नहीं पड़ेगा, अभी रात का जुगाड़ हो चुका है। वैसे मेरे को चेक करना है स्केलेटन वगैरह कैसे काम करता है इसमें, उसमें लोगी क्राफ्ट में ना थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह अलग है, लेकिन इसमें सब कुछ सेम ही है यार। मेरे को तो लग रहा है इसमें 1.18 में जितना भी कुछ आया है ना वो भी है इसमें। और पिग्गो भैया बताओ, तुम बताओ माइनक्राफ्ट से आए हो ना तुम, सच बताओ ना, देखा भाग गया, इसको सच बोलने से डर रही है, तू मेरे को सच बताएगा कि नहीं पता, तू मेरे को सच बता, अरे ऐसी की तैसी सच नहीं बताएगा तू। हाँ ये देखो फिश वगैरह भी सेम है भाई, देखो ड्राउनेट वगैरह भी सेम है, सब सेम है। ओके शाम ढलने वाला है, एक काम करते हैं थोड़ा सा खाना पका लेते हैं इधर ही, चलो अभी थोड़ा सा खाना बना लेते हैं, एक फर्नेस बनाएंगे हम लोग, सब कुछ सेम है भाई, ये खा लो भाई भूख लगा है भाई। ओके तो ऊपर रात हो चुका है, मतलब मॉन्स्टर वगैरह स्पॉन होना चालू हो चुका है, अभी ये खाना ले लेते फिर चलते बाहर।
और देखते हैं कि माइनक्राफ्ट जैसा खतरनाक है क्या ये गेम। ओके तो और एक बेड भी बना लेते हैं साथ में, अगर मेरे को सोना है तो मैं सो लूंगा। किधर हो बेटे, हार्ड मोड पे हुआ? हाँ बिल्कुल भाई 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 भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। देखो जॉम्बी वगैरह भी सेम है, दिमाग ना खराब करियो, मेरा दिमाग ना खराब करियो तुम लोग यार, हद से ज्यादा दिक्कत मेरे को ना दिया। ओहो हो स्केलेटन भाई, स्केलेटन मार डालेगा, मर जा मर गया। अगर तुम ये गेम पहले खेलोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा माइनक्राफ्ट ने इसका कॉपी किया या फिर इसने माइनक्राफ्ट का कॉपी किया है। भाई बिल्कुल सेम गेम है, बिल्कुल सेम। लेकिन हम लोग अगर आ गए इस गेम में तो हम लोग इस गेम में एक घर जरूर बनाएंगे। तो चलो फटाफट घर बनाते हैं, एक और तैयारी करते हैं घर बनाने की। पहले अपने को चाहिए होगा एक एक्स और बाकी कुछ नहीं चाहिए भाई, थोड़ा सा लकड़ियां काटना पड़ेगा और कुछ काम नहीं है। और ये देखो इधर फॉक्स था आई थिंक, बिल्कुल ये देखो फॉक्स का टेक्सचर देखो एक बार तुम, कुछ अलग अलग रहे क्या? मतलब बिल्कुल सेम भाई, कुछ अलग नहीं है, देखो भाई सब कुछ सेम है, मतलब कॉपी तो कॉपी भाई, पूरा टाप दिया कुछ नहीं चोरा, सब कुछ टाप दिया। अभी देख के भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत घूम के देखेंगे, लेकिन देख के भी कुछ फायदा नहीं है, सब कुछ सेम सा ही है माइनक्राफ्ट जैसा। तो पहले फटाफट एक घर बनाते हैं अपने लिए। ओके तो हम लोगों ने 29 ओक वुड और 25 डार्क ओक वुड काट लिया, अभी चलो एक फटाफट घर बनाते हैं। ओके तो ये कुछ हो गया अपना पहला घर, भाई देख सकते हो कितना शानदार बनाया मैंने अपना पहला घर, और पूरा सर्वाइवल में बनाया मैंने ये वाला घर, देख लो एक बार तुम दूर से। ओहो हो क्या लग रहा है, और ये डिजाइन भाई बहुत ओपी लग रहा है, ये डिजाइन सच्ची में भाई बहुत ओपी लग भाई साहब बहुत सही लग रहा है यार, घर बहुत घड़िया बहुत बढ़िया भाई, जिसमें सोने का जगह हो वही तो घर होता है ना, समझ रहे हो ना। अभी एक काम करते हैं, अभी थोड़ा बहुत घूम के देखते हैं कि क्या इसमें थोड़ा सा और कुछ अलग है। चलो एक काम करते हैं, एक विलेज में चलते हैं, लेकिन विलेज में जाने से पहले मेरे को इसको क्रिएटिव करना पड़ेगा, क्योंकि कौन विलेज ढूंढेगा अभी, उतना टाइम किधर है। अगर ये माइनक्राफ्ट जैसा है तो माइनक्राफ्ट के कमांड इसमें काम करने वाला है, तो मेरे को पहले क्या करना है, पहले मेरे को एक स्लैश डालना है, फिर डालना है लोकेट विलेज 88 और 216। ये देखो कुछ विलेज अपना, ओ हो हो भाई 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 भाई, भाई, भाई। ये विलेजर देखो ट्रेड, ये तो ये कौन है, आर्मरर है यार, बिल्कुल सेम माइनक्राफ्ट जैसा यार। ये देखो आयरन गोलेम, तेरी आईसी कितना ऐसी आयरन गोलेम, हाँ निकल साले, दिमाग खराब करेगा मेरा यार। मैं देता हूँ ना तुमको आने की जगह, जाओ ना भाई क्या कर सकते हो देख लो। अरे हाँ जाओ अब जाओ अब जाओ, देख लो क्या कर सकते हो, मार डाल उसको मार डाल उसको, उसकी ऐसी की तैसी। देखो भाई इनमें हिम्मत ही नहीं था यार, जा ही नहीं पाया उस तक पहुंच। ओ बेटे इतने दूर से ट्रेड देगा क्या मेरे को? तो ये कुछ विलेज है, बिल्कुल माइनक्राफ्ट जैसा ही है विलेज भी। ओ हो 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 हो, सही में भाई इसके अंदर 1.18 के हर एक फीचर है, देख सकते हो भाई केव, देखो भाई बेटे 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 क्या केव है भाई, ये क्या है भाई, ये इग्लू है बे। ओके मेरे को एक इग्लू मिल चुका है भाई, सही है भाई। चलो अब इग्लू के नीचे चलते हैं, होता है ना इधर एक सीक्रेट बेस, किधर है भाई वो सीक्रेट बेस, ये रहा। चलो नीचे चलते हैं, बाय 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 बाय, हम लोग इग्लू के अंदर आ चुके हैं, अभी चलते हैं नीचे सीक्रेट बेस में। ये देखो विलेजर तेरी ऐसी की तैसी हाँ बेवकूफ, ये भाई सही विलेजर है। ओ क्या इसके अंदर पोशन ऑफ वीकनेस, चलो अगर आ गए तो इस विलेजर को ठीक कर देते हैं क्या, चल निकल ले मजे ले, और चाहिए मजे लेने, इसके अंदर होगा एक गोल्डन एप्पल, हाँ सही है भाई, चल क्योर हो जा, चल तू भी क्या याद रखेगा मेरे को। ओके तो हम लोगों ने एक इग्लू भी देख लिया भाई, सब कुछ बिल्कुल सेम है माइनक्राफ्ट जैसा, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। तो बस आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, तुम लोग अगर देखना है इसका और वीडियो तो लाने की कोशिश करूंगा, तो बस आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।